दोस्तों आज बात करने वाले हैं जबरदस्त लोन ऐप के बारे में, जिससे घर बैठे 5 मिनट के अंदर पूरे 50,000 तक का लोन ले सकते हो। 1,000 से लेके 50,000 तक का लोन, वो भी 5 मिनट के अंदर सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से। इस पे ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। आज जो एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन का आपको सही से देने वाला हूँ, नाम भी बताऊंगा सही से। एक बार तसल्ली से इस वीडियो को देखो, क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन से मैंने लोन ले रखा है और मुझे कितना लोन मिला हुआ है, कैसे मैंने अप्लाई किया है, सब पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद यही जाके वीडियो बना रहा हूं, आपके सामने ये रिव्यू कर रहा हूं सही से, ताकि आप सही से समझ सको और सही से इमरजेंसी में लोन आपको मिल सके। चलिए इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको सही में लोन चाहिए, सही से लोन चाहिए, तो एक बार इस वीडियो को सही से देखो, समझो कि कैसे इस पे लोन मिलेगा। ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, आधार कार्ड पैन कार्ड है, उसकी मदद से आपको लोन आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ही है, इसी की मदद से आपको फटाफट लोन आपको मिल सकता है। लेकिन पहले आपको जानकारी लेना जरूरी है कि कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, इसमें सिविल कितना लगेगा, सिविल कितना होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना ही बड़ी बात नहीं होता, उस पर सिविल आपका सही होगा फिर जाकर लोन आपको मिलेगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, इस पर ब्याज कितना लगा है मुझे, कितना कितने दिन के लिए मैंने इसको बनाया, किस्त बनाया है, कैसे मैंने अप्लाई किया है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को सही से एक बार देखो, समझो। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हम दोस्तों इस एप्लीकेशन में आ चुके हैं। इस एप्लीकेशन से मैंने लोन ले रखा है, देखते हैं। लगभग मुझे 6 महीने के लिए मैंने लोन लिया था, जिसमें से मेरा बकाया है अभी 13,000 कुछ रुपए मुझे अभी पेमेंट करना है। और यहां पर किस्त मैंने बनाया था 1, 2, 3, 4, लगभग 6 महीने के लिए, जिसमें से 4 किस्त मेरा अभी पेंडिंग है, जो कि आज जो डेट है, आज है 15 मई, मतलब 15 मई को यानी 10 मई को मेरा एक किस्त चल गया है, दूसरा किस्त चला गया है, तीसरा यहाँ पर देखते हैं जुलाई में, 10 जुलाई जाएगा यहाँ पे, उसका चौथा यहाँ पे मतलब जून में जाएगा आपका, तीसरा जुलाई में, फिर 10 जुलाई जाएगा चौथा, उसके बाद उसको अगस्त में जाएगा 10 अगस्त को, उसके बाद इसको लास्ट जो होगा यहाँ पे सितंबर, 10 सितंबर को मेरा जाएगा। 6 महीने के लिए मैंने इस पर किस्त बनाया है। अब इस पर जो लोन मुझे मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, सबसे पहले दोस्तों जानना जरूरी है, उसके बाद दोस्तों बताऊंगा कि मैंने ये एप्लीकेशन कौन सा है। तो पहले इस एप्लीकेशन का आप नाम जान लो, एप्लीकेशन कौन सा है, उसके बाद बताऊंगा मुझे कितना इस पे लोन मिला हुआ था और कितना मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है। टोटल जितना ब्याज लगा है, प्रोसेसिंग फीस लगा है, A to Z आपको कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा, सबसे पहले जान लो। क्योंकि दोस्तों जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं, इस एप्लीकेशन से आप इमरजेंसी में लोन ले सकते हो। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, सिर्फ जानकारी देना हमारा काम है, हम कोई लोन और नहीं देते हैं। पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन कौन सा सही है और कौन सा एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड है। और ध्यान रखिए दोस्तों, कहीं से भी लोन लेने से पहले कि RBI जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है उसी से लोन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो एप्लीकेशन सही होते हैं, वो RBI का अंडर होते हैं, सरकार का अंडर होते हैं, उसके बाद वो उनसे लोन आपको लेना चाहिए, समझ गए। NBFC रजिस्टर्ड हो तभी जाके उसे लोन लेना चाहिए आपको। तो यहां से दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है रजिस्टर्ड है RBI से, इनको लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप एक बार सर्च कर लेंगे एप्लीकेशन, जाएंगे प्ले स्टोर पे, आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे देख सकते हैं जो मुझे मिला हुआ था, देखते हैं 10 मार्च, लगभग 10 मार्च को मेरा जो यहाँ पे मेरा ये अप्रूवल हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे 16,000, देख सकते हैं 16,000 का मेरे को यहाँ पे लोन मिला हुआ था मेरे बैंक में, 16,000 का। इस जो एप्लीकेशन में बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन से 1,000 से लेके 50,000 तक का लोन आप ले सकते हो। इस एप्लीकेशन से देखते हैं 16,000 तक का मुझे लोन अप्रूवल हुआ था, और यहाँ पे देखते हैं 10 मार्च, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल में मेरा पेमेंट गया था, पहला अप्रैल मई, यानी 1 महीने बाद आपका पेमेंट जाता है, समझ गए। लगभग देखते हैं 10 मार्च को मुझे मिला हुआ था लोन, उसके बाद दोस्तों इसका मैंने जो मेरा फर्स्ट किस्त था वो यहाँ पे अप्रैल में गया, 10 अप्रैल को, उसके बाद 10 मई को इस तरह गया मेरा। तो यहाँ पे देखते हैं जो मेरा बैंक अकाउंट है यहाँ पे आ चुका है, इस बैंक में मेरा पैसा गया है, ठीक है, ये मेरा बैंक अकाउंट है। और ये दोस्तों ये फाइनेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंसर का नाम है यहाँ पे आ चुका है, और जब भी अप्लाई करेंगे तो यही फाइनेंसर का नाम आएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैंने अप्लाई किया था, ये एप्लीकेशन ये अप्रूवल हो गया था, और पैसा इंस्टेंट मेरे लगभग 5 से 24 घंटे के अंदर, 5 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर पैसा इंस्टेंट आपके बैंक में आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वर्किंग डे के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि डिस्पैच मतलब आपका अप्रूवल हो गया, तो कोशिश कीजिए वर्किंग डे ना हो, ऐसे 24 घंटे 7 दिन कभी भी पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन पैसा जो है ध्यान रखो कि NFD आपके बैंक में आता है, NFD आपके बैंक में पैसा
क्रेडिट होता है, समझ गए, ताकि एनएफटी जब भी क्रेडिट, जब वर्किंग डे में होता है, हो सकता है कि वर्किंग डाउन उसमें क्रेडिट हो जाए, लेकिन दोस्तों कोशिश करो कि वर्किंग डे हो उस टाइम पैसा आपने बैंक में ट्रांसफर करने की, समझ गए। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्या है समझ जाओ, हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, यहाँ मिल जाएगा, इसका नाम है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का नाम है ये। इसका देख सकते हैं लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसका डाउनलोड किया है, ठीक है। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब कई लोग कहेंगे इस पे ब्याज ज्यादा लग रहा था ना, किस पे आप मिला लेना कि 6 महीने में मुझे कम से कम 16,000 मिले थे, मुझे पेमेंट कितना करना पड़ रहा है। तो ये ट्रू बैलेंस काफी अच्छा एप्लीकेशन है, ये जो है यहाँ पे 100% सेफ एप्लीकेशन है, लेकिन थोड़ा सा ब्याज जो है ना मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा, थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें ब्याज आपको पूरी देखते हैं। अब क्या है कि 1,000 से लेके 1,00,000 तक का लोन मिल रहा है, तो यहाँ पे ब्याज थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे लग जा रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे मत देखो, आपको जो मैंने लोन लिया है वो चीज़ देखो कितना उस पर ब्याज लग रहा है। इस पर दोस्तों दो तरह के से लोन मिल रहा है, पहला कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे लेवल ऑफ लोन मिलेगा, दूसरा है कैश लोन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पहले दिखा दूँ यहाँ पे कुछ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन वो आपको देता हूँ मैं, ठीक है, जो मुझे लगेगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे KYC कंप्लीट करते ही 100% लोन आपको फटाफट मिल जाएगा। तो हम चलते हैं, ये देखते हैं एन एफ देखते हैं, ये लगभग जो एप्लीकेशन है बिल्कुल 100% सेफ है और RBI से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो अब ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको सही से, कन्फ्यूजन आपको, जैसे कि मुझे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मिला हुआ है लगभग 16,000 का लोन मिला हुआ है, ये आप नोटिस करना, 16,000 का लोन मुझे मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मुझे किस्त पे करना पड़ रहा है हर महीने, ये नोटिस करो आप मिला लेना कि हर महीने के मुझे 3,000, जैसे कि देखते हैं आपके अलग अलग है, लगभग ज़्यादा नहीं है, लास्ट डे मुझे 3,400 रुपये मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है, 3,400 रुपया यानी 6 महीने में, समझ गए। तो 16,000 मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ, तो 3,400 रुपया 6 महीने मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है 6 किस्त। तो आप यहाँ पे गुना कर लेना, जो भी हो आपके सामने आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितना ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, A to Z सब मिला के 6 महीने में मुझे कितना पेमेंट करना पड़ा है। लोन मेरा अप्रूवल हुआ है 10 मार्च को, मेरा इतने बजे अप्रूवल हुआ है, पैसा मेरा आ गया था इंस्टेंट, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर पैसा आता है, उसके बाद दोस्तों अगले महीने से अप्रैल से 10 अप्रैल से मुझे पेमेंट करना पड़ा, 10 अप्रैल मई 15 मई है, 10 मई को चला गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट 10 सितंबर तक चला जाएगा। तो आपके सामने है कि कितना मुझे पेमेंट करना पड़ रहा, आपको ये आप देख लेना कि मुझे कितना ब्याज देना पड़ रहा है और कितना मेरा सब टोटल प्रोसेसिंग फी जितना सब मिला के सब काट पिट के मेरा 16,000 मेरे बैंक में आए थे, उसके बाद मेरे पेमेंट मुझे इतना करना पड़ रहा है, समझ गए। लगभग जैसे 3,400 रुपया 6 महीने के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है। तो आप मिला लेना कितना ब्याज, कितना परसेंट, A to Z इसमें दिख गया। जब दोस्तों आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके से ऑप्शन दिखेंगे। मुझे यहाँ पे कैश लोन मिला हुआ है, ठीक है, ये कैश लोन है, लेवल अप और कैश लोन दोनों मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, ठीक है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट, मान लीजिए कि एग्जांपल नहीं देना चाहते हैं, इसमें दो है, अगर आप बैंक स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 1,000 से लेके 50,000 तक का लोन आपको मिल सकता है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे इनके तरफ से, जैसे कि मान लीजिए कैश लोन आपका तभी रिजेक्ट होगा, मान लीजिए जब आपका सिविल सही नहीं होगा, दूसरा आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं दोगे, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट और सेल्फी, ये चीज़ देखिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपको मिलेगा लेवल अप लोन। लेवल अप लोन में क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे KYC कंप्लीट करना होता है आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से। तो यहाँ पे इनका टर्म कंडीशन आप पढ़ लेना, उसके बाद आके अप्लाई करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ से लोन नहीं लेना चाहते हैं तो अर्निंग भी कर सकते हो, 5% का अर्निंग भी कर सकते हो, जो कि यहाँ से मैं कर रहा हूँ। अगर अर्निंग का स्पेशल कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं रेगुलर इसको बनाता रहता हूँ, रेगुलर अपडेट इसके बारे में देते रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई लोग कहते हैं इस पे लोन नहीं मिलता है कहीं से, तो अपडेट करना पड़ता है, अपडेट वीडियो बनाना पड़ता है, समझ गए। तो दोस्तों यहां से अपडेट मैं करते रहता हूं, रेगुलर अपडेट वीडियो बनाते रहता हूं, अर्निंग भी कर सकते हो इससे। अगर दोस्तों ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, क्योंकि दोस्तों कई लोगों को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत होती है, लोन चाहिए, तो वहां पे उनको लोन नहीं मिल पाता, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होता है तो लोन नहीं मिल पाता है, तो उन्हीं के लिए है। जैसे कि मान लीजिए इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो
लोन चाहिए तो इमरजेंसी में तो यहां से ले सकते हो। इमरजेंसी में हमारा काम आपको सही जानकारी देना। और ध्यान रखिए दोस्तों, कहीं से भी लोन लेते हैं तो पहले उस एप्लीकेशन के बारे में चाहे वेबसाइट के बारे में सही से जानना जरूरी होता है कि ये एप्लीकेशन वेबसाइट सही है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। उस और सही है, सेफ है, उसके बाद ही जाकर उस लोन अप्लाई करना चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन है इनको RBI लाइसेंस मिला हुआ सही एप्लीकेशन है, मैंने लोन ले रखा है। और दोस्तों यहाँ पे आपका भी फर्ज बनता है इस एप्लीकेशन के बारे में सही से जानना। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, सही जानकारी देना, सही से जानकारी देना। जानकारी ये होती है दोस्तों, सही से पहले मैं रिव्यू करता हूँ, पहले लोन लेके देखता हूँ कई जगह से, हर जगह से लोन ले लेते जहाँ से मुझे लगता है कि लोन ले सकता तो वहाँ से मुझे जरूरत होती है, तो मुझे भी जरूरत थी पैसे की, तो मुझे भी जरूरत है तो मैं भी लोन ले लेता हूँ। तो उसके बाद जाकर मैं रिव्यू करता हूँ कि एप्लीकेशन सही है, इसे आप लोन ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन आप बहुत कुछ डिजिटल आप कर सकते हो घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही है तो फटाफट लोन आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, इस पर लोन अप्लाई करने के लिए आपका जो सिविल है सही होना चाहिए, 700 मिनिमम आपका, 650 से। और आपका 650 जब होना चाहिए, मान लीजिए कहीं रीपेमेंट टाइम से कर रहे हो, ये नहीं कि आपने रीपेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे वक्त पर मत अप्लाई करो, टाइम से कर रहे हो तो अप्लाई करो, समझ गए। मान लीजिए कहीं से आप लोन लिया है, दोबारा लोन लेना चाहते हो, देखो पहले उसको टाइम से पेमेंट कर रहे हो फिर जाके लो, वरना मत लो। ये तो दोस्तों ट्रू बैलेंस की वजह से इस तरह उसको लोन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको सही लगेगी, और ऐसे जानकारी हमारे चैनल की तरफ से लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। हम आपके लिए सही जानकारी देते हैं, सही एप्लीकेशन के बारे में, सही पार्ट टाइम जॉब के बारे में, सही लोन के बारे में हम आपको सुनते हैं बिल्कुल लाइव और सही से। आप तो यहाँ पर देख लेना कि मुझे 16,000 का लोन मिला हुआ था, किस्त मुझे कितना पेमेंट करना, मतलब किस्त 6 महीने का बना है, 3400 कितना मुझे पेमेंट करना पड़ा है, आप वहाँ पर देख लेना। इमरजेंसी हो, क्योंकि दोस्तों इमरजेंसी में ये एप्लीकेशन बहुत काम आता है, थोड़ा सा ब्याज एक्स्ट्रा लग रहा है 6 महीने में, ठीक है। मान लीजिए 16,000 है तो यहाँ पे लगभग 4-5,000 के बीच में आपको पेमेंट करना पड़े, तो पहले आप देख लेना कि मान लीजिए कि पैसे की इतना जरूरत हो, इतना आपको चाहिए, इतना पेमेंट कर दोगे फिर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं। हम आपको अर्निंग की जानकारी दे जाकर अर्निंग देख सकते हो। ये था सिर्फ इमरजेंसी में कि किसी को लोन चाहिए तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, ठीक है। हमारा काम आप सिर्फ जानकारी देना। आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।